हमारे घर की किचन औषधीय गुणों से भरपूर मसालों से भरी रहती है। उन्हीं मसालों में से एक है जीरा। जीरा आमतौर पर पाउडर और बीज के रूप में इस्तेमाल होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जीरा आपके स्वास्थ्य के लिए कितना गुणकारी है? ये कई पोषक तत्वों से भरपूर है। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी बैक्टीरियल गुण होते हैं। इतना ही नहीं, सुबह सुबह जीरा पानी पीने के भी कई फायदे हैं। इसे उबालकर पानी के साथ पिया जाए तो वजन घटाने में मदद मिलती है। इसके साथ ही पेट संबंधी बीमारियों से भी छुटकारा मिलता है। लोकल 18 से बातचीत में होम्योपैथी डॉक्टर पंकज पैनुली कहते हैं कि जीरा हमारी भारतीय रसोई में पाए जाने वाला दादी नानी का ऐसा नुस्खा है जो स्वास्थ्य लाभ में काम आता है। वैसे तो जीरा भारतीय व्यंजनों में मसाले के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसका उपयोग होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक चिकित्सा में भी किया जाता है। जीरा पाचन संबंधी समस्याओं को दूर करता है, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है, वजन घटाने में भी जीरा लाभदायक है और डायबिटीज को भी कंट्रोल करता है। ये पाचन में बहुत अच्छा काम करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में। जैसा आपने देखा भी होगा कि बहुत बार एसिडिटी होती है या फिर कुछ होता है तो फिर जीरे का बूरा बना के उसको मुंह पे रखा जाता है, गुनगुने पानी से लिया जाता है। तो एक तो ये बहुत ही आसान रोज़मर्रा की ज़िंदगी में दिखता है हमारे बीच में, क्योंकि जीरे में फाइबर होता है और फाइबर जाके उस एसिड को न्यूट्रलाइज करता है, जिसकी वजह से वो जो एसिडिटी है वो ख़त्म हो जाती है। उसके बाद क्या होता है कि कोलेस्ट्रॉल को ये कैसे कम करता है, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से जो एलडीएल है, जो आपका बैड कोलेस्ट्रॉल है, उसको डिक्लाइन करता है और एचडीएल को, जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है, उसको उठाता है। मधुमेह में भी ये काम आता है। डायबिटीज़ में क्या होता है, डायबिटीज़ ग्लाइसेमिक एंटी ग्लाइसेमिक प्रॉपर्टीज इसके अंदर होती हैं, और एंटी ग्लाइसेमिक प्रॉपर्टी होने में फिर ये जो है डायबिटीज़ को भी कंट्रोल करता है। वजन घटाने में तो बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि जो इसको रात को भिगो के रख देते हैं, सुबह जीरे का पानी छान के पी लेते हैं, या फिर जीरे का भुना हुआ जीरा गुनगुने पानी के गिलास के साथ मिला के दो दो गिलास या एक गिलास ऐसे लेते हैं, क्योंकि इसमें फाइबर होता है और फाइबर के अलावा इसमें और भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जिनकी वजह से जो है वेट लूज होता है और मेटाबॉलिज्म बेसिकली इंक्रीज होता है। इससे वेट कम होने के बजाय मेटाबॉलिज्म अच्छे से इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से हमारा वेट लूज हो जाता है। इसके अलावा है, इसमें स्वेलिंग में ही बहुत अच्छा काम करता है। स्वेलिंग में आपने कई बार देखा होगा कि जैसे सरसों के तेल के साथ जीरे को उबाल देते हैं और वो तेल और उस जीरे को फिर लगाते हैं, तो इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जैसे जहाँ पे सूजन है, सूजन को बेसिकली सूजन जो आती है वो इन्फ्लेमेशन के बेस पे आती है, और इन्फ्लेमेशन के चार साइन होते हैं, रोमर कॉलर टोलर ड्यूलर, मतलब रेडनेस स्वेलिंग हीट पेन, ये चार प्रॉपर्टीज़ इन्फ्लेमेशन की होती है। और जहाँ पे फिर इसका पेस्ट लगा के उसको कपड़े से बांध देते हैं तो वहाँ पे भी ये जीरा जो है काम आता है। और जीरा खाने में तो हमारे आलू के चाहे गुटके हों या किसी में भी हों तो उसमें ये सारी चीज़ें पड़ती हैं, और भारतीय किचन में ये रोज़मर्रा में काम आने वाली चीज़ है। अब इसको खाते कैसे हैं, या तो इसको आप किसी फूड के अंदर मिला देते हैं, जैसे आलू के गुटके हो गए, ये हो गए, या फिर चाय में पड़ता है बहुत सारी जगह, इंडिया के बहुत सारे कोनों में जहाँ पे चाय में जीरा डाल देते हैं, या मसाला चाय जो बनती है उसके अंदर जीरा होता है। और इसके अलावा क्या है कि या तो इसे गुनगुने पानी में पाउडर फॉर्म में गुनगुने पानी के साथ मिला के पियो, या फिर जीरे को जो है रात को सोक कर दो एक गिलास पानी में एक चम्मच, और सुबह उसे छान के पी लो। तो जीरे के बेसिकली क्या है कि जीरे के कोई ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होते नहीं हैं, और ये हमारा मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज़ करता है, तो इनडायरेक्टली ये हमारी पूरी बॉडी को डिटॉक्स करता है, तो ये इसके बेनिफिट्स हैं।